जाते हैं वही तीर्थंकर होते हैं। जो शरीर के गुलाम बन करके जीते हैं वो तीर्थंकर नहीं होते। औदारिक शरीर, और औदारिक शरीर में वो सामर्थ्य कि वैक्रिय शरीर पानी भरने लग जाए, बवंडर, लेकिन पलके नहीं झपकी और संगम को धक्का लगा, शॉक लगा। ये बवंडर के बावजूद इसकी आंखें नहीं झपकी। मैं इंद्र को कहकर के आया कि मैं पलके झपका के रहूंगा, कौन सा मूल्य करके जाऊंगा। और आपको पता होगा कि दुष्ट आदमी की प्रकृति दूसरों को बर्बाद करने के लिए स्वयं बर्बाद होगा तो भी तैयारी है उसकी, लेकिन तुझे तो बर्बाद करके रहूंगा। लेकिन कई तीर्थंकर जो महावीर के साथ पाला पड़ जाए, सारे बर्बादियों के प्रयासों को जो फेल कर देते हैं वो तीर्थंकर महावीर होते हैं। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, कहने वाले तीर्थंकर की राह पर कभी कदम नहीं धर सकते। कहानी तुम्हारे सामने इसलिए परमात्मा की, अपने हौसलों का ऐसा बुलंद करो, उस ऊंचाई तक अपने संकल्पों को ले जाओ कि चाहे जैसा साइक्लोन आ जाए मैं मेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। तूफान आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तूफान कभी रहने के लिए आते ये विश्वास जगाओ, बवंडर कभी रहने के लिए नहीं आते, बवंडर तो जाने के लिए आते, कोई बवंडर रुकने के लिए नहीं आता। नदी को बाढ़ कभी परमानेंट रहती है, रात को बाढ़ और सुबह नदी ठिकाने पर, ये तो केवल टाइम, टेक टाइम, गिव टाइम, ये तो यूज होकर चले जाते हैं। कई वीला, कई वीला, कई वीला, कई वीला, बवंडर निकल जाएगा, कई वीला होना क्या है। उस बवंडर के बीच महावीर बनकर के खड़े रहो, महावीर जैसे अटोल खड़े रहो। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मुझे तो मेरे जीवन के लिए पावर हाउस कोई है तो महावीर कथा है, और कान में मंत्र कोई है तो आनंद कथा है, बाकी तो सब दुकानदारी है। जीवन की ऐसा कोई प्रसंग नहीं, कोई चुनौती नहीं कि जहां महावीर उत्तर बन करके आते नहीं, ऐसा कोई अंधियारा नहीं कि जहां महावीर सूरज बन करके आते नहीं। और वो सूरज के साथ जुड़ने के लिए कथा है, शौक लगा संगम को, इस बवंडर के बाद इसकी आंखें नहीं पलक पलके नहीं झपक रही है। देखता हूं इसके तरफ कैसे पलके नहीं झपकाता है, और लाल लाल चिटिया, जहरीली चिटिया का रूप बनाया है। देखो दुष्टता का क्या स्वरूप होता है, जहां वैक्रिय शरीर से सुंदर रूप बना सकता है, जहां वैक्रिय शरीर मिला है सुंदर से सुंदर रूप बना सकता है, रूप बना किसका रहा है। आप अपने मन का कौन सा रूप बना रहे हो, आप भी तो अपने मन का सुंदर से सुंदर रूप बना सकते हो। अरे तन का रूप तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मन का तो चाहे जैसा रूप
बना सकते हो नहीं बना सकते हो? यस नो, बनाओ ना यार. क्यों संगम जैसे चीटियों का रूप बनाते हो? क्यों अपने वैक्रिय शक्ति के बल पर बवंडर लाते हो? जिस बल पर तुम बाहर ला सकते हो उस बल पर बवंडर क्यों लाते हो? जिस शक्ति के बल पर तुम वसंत ऋतु ला सकते हो उस शक्ति के बल पर तुम पतझर क्यों लाते हो? और लाल लाल चींटियां बन करके एक चींटी आपके पांव पर काट जाए, ये मेरी भावना है आज. फिर पता चलेगा कि आपकी चींटी क्या करती है ना. और वो चींटियां पूरे पूरे शरीर को काट रही है, आंखों में डंक मार रही है, लेकिन पलक नहीं झपक रही है. भीष्म पितामह की मौत हो गई, मौत नहीं हुई लेकिन शरशैया पर पहुंच गए. द्रोणाचार्य चले गए, कर्ण चला गया, लेकिन फिर भी दुर्योधन का मन हार मानने के लिए तैयार है. यही दुष्टत मन होता है. एक बार ये दुष्टता पर उतारू हो गया, इसको हार और दुष्ट बनाती है. ये छेड़ी हुई नागन के समान ये दुष्ट मन है. जितना छेड़ो उतनी दुष्टता बढ़ती जाती है. जैसी हार वैसी दुष्टता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. चिट्टियां काम नहीं करी, बिच्छू बन गया है, बिच्छू की नांगिया है. हर जगह वो डंक मार रहा है लेकिन पलक नहीं झपक रही है. जहरीला सर्प रूप बनाया है, पलक नहीं झपक रही है. शिकारी कुत्ते छोड़े हैं, पलक नहीं झपक रही है. शकुनी पंछी के पिंजड़े लटका दिए, पलक नहीं झपक रही है. एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक रात बढ़ती जा रही है और संगम का उपद्रव बढ़ता जा रहा है. वो कमठ पानी भरे संगम देव के सामने, कमठ पानी भरे. कमठ ने तो केवल क्या किया है, केवल बारिश, केवल बारिश. और कमठ ने तो कोई देवता को आने से रोका भी, ये तो सयाना आदमी. पहले इंद्र को बांध करके आया है कि किसी को भेजना मत, तो आना मत बीच में. कल्पना करो इंद्र पर क्या बीत रही होगी. मैंने इस नासमझ के सामने तीर्थंकर की महिमा गाई भक्ति जगाने के लिए और इसमें नफरत जन्म गई. मैंने तो सोचा कि मेरी भक्ति देख करके भक्ति करेगा, लेकिन ये तो उपद्रव बन गया है. वचन में बंधा हुआ इंद्र है, मसस दिल मसस करके रह गया है. कष्ट किसको ज्यादा हो रहा होगा, परमात्मा को या इंद्र को? कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता है. इसलिए कभी किसी दुष्ट के वचन में मत बनना है.
तो वचन में बनना हो तो सज्जन के वचन में बनना है, किसी सहृदय के वचन में बंधना है। कई 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 के वचन में बंध गए तो राम वनवास में जाना ही जाना है। वचन देने के पहले देखना कि वचन किसको दे रहे हो, और एक ऐसा वचन क्या तूफान लाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 उपद्रव एक रात में। और जब देखा कि 19 उपद्रव आने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो जैसा महाभारत में ब्रह्मास्त्र होता था, वैसा देवताओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, कालचक्र। उसका नाम ही क्या है, कालचक्र है। पूरी शक्ति को, अपने पूरे अंदर की पूरी शक्ति को अपने सुदर्शन चक्र सुना है केवल, अपने केवल चक्रवर्ती का चक्र सुना है। संगम ने काल चक्र का निर्माण किया है, इतनी पूरी शक्ति से काल चक्र चलाया है। शास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा की बॉडी आधी जमीन में धस गई, कल्पना करो कि उसका क्या प्रेशर होगा, क्या दबाव होगा कि परमात्मा की आधी बॉडी शरीर पूरी धरती में धंस गई, लेकिन पलक नहीं झपकी। एक रात्रि में 20 घंटे 9 और उपद्रव 20, बीस बीस पच्चीस पच्चीस मिनट में एक एक सोचते ही तो भी चक्कर आता है। और किस लिए ये सारा, स्वयं को मोक्ष में ले जाने के लिए। जन कल्याण का सामर्थ्य, जन प्रबोधन का सामर्थ्य, गिरते हुए को ऊपर उठाने का सामर्थ्य लाने के लिए। वो सामर्थ्य लाने के लिए कि तिन्नानम तारयानम बुद्धानम बोयानम मुत्तानम मोयगानम जिनानम जावयानम बनने के लिए। आसान नहीं होता धर्म चक्रवर्ती बनना, सत्ता का चक्रवर्ती बनना हो तो भी पसीना छूटता है, और धर्म का चक्रवर्ती बनने के लिए तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। रात बीत गई, सूर्योदय की वेला हो गई, परमात्मा का समय साधना का पूर्ण हो गया, और परमात्मा ने गहरा श्वास लिया और शरीर पूरा धरती के ऊपर आ गया। संगम देखता ही रह गया है। काल चक्र फेल, अरे ये किस मिट्टी का बना है। चंड कोशिक तो 3 डंक देकर के ठिकाने पर आ गया है। शूलपाणि यक्ष तो द्रव देकर के ठिकाने पर आ गया है, लेकिन एक बार जो
बर्बादी का संकल्प लेकर के चला है उसको अक्ल ठिकाने पर आने के कोई चांसेस नहीं है। आपके आसपास में भी कई लोग होंगे जिनको देख करके संगम देव की याद आती होगी कि नहीं सुधरेंगे, ये हमारा वादा है, बिगाड़ना ही हमारा कायदा है। ऐसे व्यक्ति जब भी देखता हूं तो लगता है कि संगम देव की इन पर छाया पक्की पड़ी होगी, किसी न किसी जन्म इनकी संगम देव के साथ प्रीति रही होगी। जिनको किसी को बिगाड़ने में, किसी काम को बिगाड़ने में, संघ समाज और धर्म का काम बिगाड़ने में जिनको रस आता हो, उनके लिए एक ही पार्टी का नाम मेरे पास है। कौन सी पार्टी? संगम देव पार्टी। जहां कहीं तुमको दिखे, नाम मत लेना जुबान पर, इतना कहना संगम देव पार्टी का मेंबर है। ऐसा आगम में कहते हैं कि जैसा मनुष्य गंदी बस्ती में, अच्छे बस्ती में रहने वाला राजा है, यदि गंदी बस्ती में रह जाए तो उसको जाना जीना हुआ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बदबू बहुत रहती है। उससे ज्यादा भयंकर बदबू का एहसास देवताओं को धरती पर होता है। और आगम की इस बात को साइंस भी प्रूव करता है कि 100 मीटर तक धरती की बदबू पहुंचती है। इसलिए शक्रेंद्र जब भी परमात्मा के पास आते थे तो पहले देवता को भेजते थे, भाई जरा सफाई करके रख, में जाना है। जिस बदबू में 3 घंटे रहना मुश्किल, वहां वो एक रात रह गया और आगे भी गया नहीं, कि जाऊंगा तो इंद्र को मुंह क्या बताऊंगा। 6 महीने, कितने महीने? 6 महीने। बात केवल एक रात की थी, पलक झपकाने की बात तो समाप्त हो गई थी, शर्त समाप्त हो गई, खेल समाप्त हो गया, जहां तक खेलना था वो खेल समाप्त हो गया, शर्त हार चुका था वो, कि बात तो केवल पलक झपकाने की थी। लेकिन शर्त हारने के बाद भी हार मंजूर कर ले तो फिर ये पार्टी जिंदाबाद कैसी होगी यार? और नहीं मानता है, परमात्मा को 6 महीने तक आहार नहीं मिलने दिया है, पानी नहीं मिलने दिया है, नहीं मिलने दिया ये तो छोटी बात है। यदि आचार्य भद्रबाहु ने जो जिक्र किया वो सुनाऊं, ऐसे ऐसे माया के खेल खेले, देव माया के खेल खेले, बहने कई पानी भर रही थी बावड़ी पर, और उनके सामने ऐसा सीन निर्माण किया कि महावीर उनके तरफ असली इशारे कर रहा है। ऐसा नजारा तैयार किया है। और उस नजारे की सजा किसको? कि ये किसने? मैं कुछ कुछ की बातों का जिक्र कर पाऊंगा, सारे बातों का जिक्र करना तो मेरे बस की नहीं। कहीं परमात्मा प्रभु महावीर जाकर के साधना में के लिए खड़े, इसने गांव में जाना चोरियां करनी, लोग पकड़ने के लिए भागे, किसने आगे भागना है, भागते भागते भागते